हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं स्विफ्ट शार्प नाइफ शार्पनिंग मशीन। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने टीवी पर एडवर्टाइजमेंट्स में देखा होगा कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करके आप आपकी नाइफ्स, आपकी जो सीजर्स होती हैं या आपके जो टूल्स होते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, आप उन्हें शार्पन कर सकते हैं। यह एक मोटराइज्ड मशीन है जिसके अंदर की एक मोटर होता है और जिसे ऑपरेट करने के लिए 4 AA साइज़ की बैटरीज लगती है। तो अब हम इसके बॉक्स को खोलकर देख लेंगे अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो बॉक्स खोलते ही सबसे पहले आ जाता है हमारा मेन डिवाइस जो कि ग्रीन कलर का आता है और साथ ही में आ जाती है इसकी यूज़र मैनुअल। फ्रेंड्स, इसकी जो यूज़र मैनुअल है वो काफ़ी डिटेल्ड है। इसके अंदर सारी डिटेल्स दी गई है कि आपको इस प्रोडक्ट को किस तरीके से इस्तेमाल करना है और इसके फीचर्स क्या क्या है। तो अब हम यूज़र मैनुअल को साइड में रख के अपने मेन प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ग्रीन कलर का हमारा प्रोडक्ट है। यह एक ही कलर में अवेलेबल होता है। इसका साइज़ काफ़ी छोटा है और इसका वज़न भी काफ़ी कम है। इसकी जो ऊपर की बॉडी है ये प्लास्टिक मटेरियल की बनाई हुई होती है। इसके सामने ही आप देख सकते हैं एक बटन दी गई है पुश टाइप, जिसे यूज़ करके आप इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं राइट साइड में एक प्लास्टिक कवर दिया गया है जिसके ऊपर सीजर, नाइफ और बाकी चीज़ों की मार्किंग्स दी गई है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस प्लास्टिक कवर को आपको एडजस्ट करना होता है। कवर निकालने पर आप देख सकते हैं इसके अंदर एक ग्राइंडिंग व्हील दिया गया है। इस ग्राइंडिंग व्हील की मदद से ही ये हमारे जो सीजर्स है, नाइफ है, इसको शार्पन करता है। फ्रेंड्स, अब हम इसके साइड कवर को थोड़ा करीब से देख लेते हैं। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर इसकी एक सीजर की मार्किंग दी गई है और बाजू में एक स्लॉट है जिसकी मदद से आप सीजर्स को शार्पन कर सकते हैं। और बैक साइड में देखेंगे तो 2 हॉरिजॉन्टल स्लॉट्स दिए गए हैं जिसकी मदद से आप अपनी नाइफ को शार्प कर सकते हैं, उसके लेफ्ट एज को और राइट एज को अलग अलग स्लॉट में डाल के। और साइड में भी आप देख सकते हैं 2 होल टाइप दिए गए हैं जिसकी मदद से आप पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स को या स्क्रू ड्राइवर्स को भी शार्पन कर सकते हैं। इसका जो बैटरी कंपार्टमेंट है वो इसके नीचे की तरफ होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर 4 AA साइज़ की बैटरीज लगती है। प्रोडक्ट के साथ में एक छोटी सी ट्रे भी आती है जो वेस्ट कलेक्ट करने के लिए होती है। जब भी आप नाइफ को या सीजर्स को इसमें शार्पन करते हैं तो कुछ पाउडर मटेरियल गिरता है इसमें से, जो कि इस ट्रे में ही जाकर कलेक्ट होता है। तो चलिए अब हम इस प्रोडक्ट को ऑपरेट करके भी देख लेते हैं। हम इसके बैटरी कंपार्टमेंट में 4 AA साइज की बैटरीज डाल देंगे। इसके बैटरी कंपार्टमेंट में अंदर की तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव मार्किंग दी गई है जिसके हिसाब से ही आपको इसमें बैटरीज को इंस्टॉल करना होता है। आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि बटन को जस्ट प्रेस करते ही इसका मोटर घूमने लगता है, काफ़ी इमीडिएट इसका रिस्पॉन्स आता है। कवर खोलने पर आप इसके ग्राइंडिंग व्हील को भी रोटेट होते हुए देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम एक सीजर लेंगे और उसे इस मशीन से शार्प करने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम एक पुरानी सी सीजर ले लेते हैं जिसके अंदर अभी थोड़ी सी शार्पनेस बाकी है। हम एक पेपर के टुकड़े को 3-4 बार फोल्ड कर लेंगे और इसी सीजर से हम इसे कट करके इसकी जो शार्पनेस जो इसमें है ऑलरेडी, उसका अंदाज़ा ले लेंगे। तो अब हम हमारी सीजर को इस मशीन के थ्रू शार्प करेंगे और शार्प करने के बाद फिर से सेम पेपर को कट करके चेक करेंगे कि इसकी शार्पनेस में क्या इम्प्रूवमेंट आया है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी जो सीजर की जो शार्प एडजेस होती है उन्हीं एडजेस को आपको इस मशीन के अंदर शार्प करना है। हम इस सीजर की दोनों एडजेस को बारी बारी से इस मशीन से शार्प कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि इस मशीन के इस्तेमाल के दौरान काफ़ी इरिटेटिंग सा साउंड आता है, जिसे कि मैं आगे के वीडियो में म्यूट करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, जब भी आप इस मशीन को इस्तेमाल कर रहे हो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी नाइफ या आपकी सीजर या जो भी चीज़ आप शार्पन करना चाहते हैं उसे आपको मशीन के अगेंस्ट में स्लो स्पीड में मूव करना होता है। अगर आप अपनी नाइफ या सीजर को ज़ोर ज़ोर से मशीन के अगेंस्ट मूव करेंगे तो ऐसे में उसकी जो शार्पनेस है वो बराबर से नहीं आएगी।
तो इस तरीके से हमने अपनी सीज़र को शार्पन कर लिया है। शार्पनिंग करने के दौरान इसके नीचे ट्रे में आप देख सकते हैं कुछ पाउडर जैसा मटेरियल इकट्ठा हो गया है। जब भी आप इस मशीन को कोई भी चीज़ को शार्पन करने के लिए यूज़ करते हैं तो इस तरीके का पाउडर जमा होता है, जिसे आपको आपकी शार्पनिंग होने के बाद फेंक देना होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम अपनी सीज़र की शार्पनेस को चेक कर लेंगे। हमने सेम पेपर वापस से ले लिया है जिसे हमने पहले फोल्ड करके कट किया था। हम उसी पेपर को कट करके फिर से अंदाज़ा लेंगे कि इसकी जो शार्पनेस है, जो सीज़र की शार्पनेस हमने बनाई है, उसमें कुछ फ़र्क आया है या नहीं। इस दौरान मैंने जब पेपर को कट किया तो मैंने फील किया कि इस सीज़र की शार्पनेस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम कह सकते हैं कि इस नाइफ शार्पनर के इस्तेमाल से इस सीज़र की शार्पनेस में काफ़ी फ़र्क आ गया है। तो अब हम एक नाइफ को भी इस मशीन में शार्पन करके देख लेंगे। तो नाइफ शार्पन करने से पहले हम इसके कैप को रोटेट कर देंगे। इसके कैप में जो नाइफ के लिए स्लॉट्स बने हुए हैं उन्हें हमें ऊपर ले आना है। इस कैप को रोटेट करने पर आप देख सकते हैं यहाँ दो स्लॉट्स आपको दिख रहे होंगे। इस राइट वाले स्लॉट में हम अपनी नाइफ के लेफ्ट साइड वाली एच को शार्पन करेंगे और लेफ्ट वाले स्लॉट में हम अपनी नाइफ की राइट वाली एच को शार्पन करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ हमने जो नाइफ ली है वो काफ़ी पुरानी है और 4-5 महीने से इस्तेमाल नहीं हुई है। तो अब हम बारी बारी से नाइफ की लेफ्ट वाली एच को और उसकी राइट वाली एच को दोनों को भी शार्पन कर लेंगे। पहले की तरह इस केस में भी हम अपनी नाइफ को मशीन के अगेंस्ट में स्लोली स्लोली मूव करेंगे ताकि उसकी शार्पनेस बराबर से बन सके। तो यहाँ हमने अपनी नाइफ को भी शार्पन कर लिया है। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने सिर्फ 3 से 4 मिनट ही इस नाइफ को मशीन में शार्प किया था। तो अब हम अपनी नाइफ की शार्पनेस को चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपने नोटिस किया होगा कि एप्पल कट करते वक्त मुझे थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ा था। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो शार्पनेस है उसमें ज़्यादा फ़र्क तो नहीं आया है, पर थोड़ा फ़र्क ज़रूर आया है पहले के मुकाबले। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट तरह की नाइफ्स और सीजर्स अवेलेबल है जिसके डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, तो डिफरेंट मटेरियल्स में इस मशीन का जो आउटपुट है वो डिफरेंट डिफरेंट ही आएगा। साथ ही में आपने कितनी वक्त तक और किस तरीके से अपनी नाइफ या अपनी सीज़र को मशीन में शार्पन किया है उस पर भी आपका आउटपुट जो है वो डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपके किसी तरीके के सवाल हो या अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आंसर करने की। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरीके की और भी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप उन्हें भी ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।